हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं उसको देखना ज़रूर, देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है, फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का सीरीज़ है। इसमें ह्यूमन फिगर हमने सीखे हैं, अपर पार्ट, बॉडी का अपर पार्ट कैसे बनाते हैं, फिर लोअर पार्ट का बारे में भी हमने बातें किए हैं और आप सीख चुके होंगे। तो अभी मैं जो बाकी रह गया था, पाम का जो हथेली है उसको हम ड्रॉ करके देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। अभी मैं अपना हाथ यहाँ रखता हूँ और इसका ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, देखते हैं। सीधा तो नहीं रह पा रहा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो भी ड्रॉ होगा हम समझने का कोशिश करेंगे। मेरा हाथ सीधा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। और ये यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ मैं अंदाजन इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ये इसको आप, ये डिटेल ड्राइंग नहीं है, ये आउटर लाइन है। आपको समझाने के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोपोर्शन के बारे में पता चले। ये हाथ हो गया और ये हाथ को मैं यहाँ रखता हूँ और आप देखिएगा ये पार्ट और ये पार्ट, ये जो है ये ऐसा कर्व में है। ये उंगली यहाँ है तो यहाँ तक आती है और ये उंगली यहाँ है तो यहाँ तक आती है। तो ये जो भाग है ये ऐसा कर्व में है, ये ऐसा। तो ये पार्ट को अगर देखें, ये पार्ट ऐसे, तो ये बड़ी ऐसे आपका सामने ही मैंने ड्रॉ किया है। और कितनी बड़ी है, यहां से यहां अगर हम पेंसिल में मेजर करते हैं तो ये करीब करीब इतनी बड़ी होती है। दिस इज इक्वल टू दिस, और ये और थोड़ी बड़ी। इसका मतलब आधा नहीं है, आधा हो गया तो भी चल जाएगा, लेकिन ये पार्ट को थोड़ा सा बड़ा बनाना है। और ये जो फिंगर है, ये हमारा थंब है, वो इस तरह से। ये थंब का लाइन कहाँ जाती है, ये देखिए, ये वाले लाइन है ये। तो ये थंब जो है, थंब का लाइन जो है यहाँ जाती है। तो इसको, इसका मतलब ये है कि यह यहाँ तक हमारा थंब होता है। इसको खुला रखेंगे और सर्कल में चला जाएगा। फिर तो उसका बाद जो है दूसरी वाली लाइन है हमारा, ये वाली भाग हो चुका है, फिर दूसरी वाली भाग है, फिर तीसरे वाली भाग है। तीन, एक दो तीन, तीन भाग होता है। तो ये एक यहाँ, ये करीब करीब यहाँ, ये ऊपर नीचे है, इसको आप भूल जाइए। अपने को याद कितना रखना है, ये वाले लाइन को याद रखना है, ये वाली को। ये ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि सबका, हर एक इंसान का उंगलियां का भी, किसी का यहाँ तक होता है, किसी का थोड़ा छोटा होता है, किसी का थोड़ा बड़ा होता है। ये दोनों लाइन में होती है, कभी ये छोटी होती है। तो उसको ज़्यादा हम अभी देखेंगे नहीं, हमें ये लाइन ज़रूरी है। ये वाली लाइन को आप याद रखिएगा। तो इतना समझ में आ गया कि ये अगर हम, मैं इसको बॉक्स में करूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो है इस तरह से एक बॉक्स है, इस तरह से, चलिए मानिए इस तरह से एक बॉक्स है, इस तरह से ये चौड़ा है, इस तरह से ये, इसको सीधा लाइन, इसको सीधा लाइन में मान के चलते हैं। तो इस तरह से बॉक्स, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कोई फ्लावर वेस है, कोई जिसमें पौधा लगाने का गमला है, इस तरह से कुछ सोच सकते हैं। इसको गिलास नहीं बनाइएगा, इतना समझ के चलिए कि अगर इसको, अगर मैं सीधा करता हूँ, इसको सीधा करता हूँ और इससे थोड़ी थोड़ी ज़्यादा, तो इसको मैं डार्क करता हूँ। इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये शेप आपका दिमाग में होना चाहिए कि ये कैसे है। और आपको मैं ये यहाँ बता चुका हूँ, इतनी बड़ी उंगली होगी, इतना छोटा मैंने कर लिया, और इतना आपको ऊपर लेना है, यहाँ ये वाला, ये वाली, ये वाली, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अभी हमें करीब करीब इतनी बड़ी मिल गई, ये लाइन मिल चुकी है। अभी ये उंगली जो है, हमें पता है यहाँ से थंब निकलती है और यहाँ से ये वाली उंगली, ये वाली उंगली यहाँ मिलेगी आके, ये बाहर जा रहे तो ये उंगली यहाँ मिलेगी। तो ये उंगली को मैं यहाँ लिया और ये थोड़ी सी अंदर, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, ये थोड़ी सी अंदर ले लिए
और यहाँ ये उंगली जो है इस तरह से है, इसका एंगल देखिएगा, ये बड़ा वाला उंगली है, तो ये इस तरह से उंगली जाती है, फिर ये राउंड मतलब नीचे तरफ इस तरफ इस एंगल में, फिर हम इसको चार उंगलियां बनाएंगे, एक दो, इसको थोड़ा सा मोटी, दो तीन और चार। तो यहां तक ये जो है इसको मैंने बताया था आपको, ये इस तरह से आती है। तो अभी अगर हम इसको यहां जोड़ेंगे और ये बड़ी वाली उंगली, ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी अपना, और ये थंब जो है यहां तक आती है, हमने देखे, और ये बन गई। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन उतना भी नहीं, मैं ये सारे लाइन को मिटा देता हूँ और आपको इससे थोड़ा सा आसान मैं कर दूंगा अगली बार, आप इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, और इससे इसका बाद जो मैं बताऊंगा ये और आसान होगी, ये जस्ट फॉर्म को समझने के लिए, ये हाथ का प्रोपोर्शन क्या होती है और इसको समझने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है, जस्ट इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये बन गया आपका हाथ, यहाँ हमारा जॉइंट्स है, यहाँ से उंगलियाँ जुड़ती है, और इसको अभी हम थोड़ा सा और आसान करते हैं। ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर्शन जो है, उंगली कितनी बड़ी है और ये भाग कितनी बड़ी है, उसको समझने के लिए मैंने ये बताया, इसके बाद इसको थोड़ा सा आसान और करते हैं, फटाफट ड्राइंग करते हैं। हमें समझ में आ चुका है, ये मैंने कहा था आपको एक पॉट, ये फूल का गमला या कप, आप देखिए ये दिस इज द परफेक्ट शेप ऑफ अ कप, अगर मैं कप इसको बनाता हूँ तो ये कप जैसा है, ऐसा मान के चलिए कप, ये इसको हम मिटा देंगे। उंगली थोड़ा छोटा किया, इतनी बड़ी और ये थोड़ी अंदर और ये थोड़ी अंदर और ये ऐसे या उंगली तक, फिर ये ऐसे। अभी हमें इसको चार भाग करना है और ये वाली भाग को हमें यूं लेना है, क्योंकि यहाँ से ये डाउन होती है, यूं लेना है। अभी एक दो तीन और चार, तो इसको हम यूं और ये बड़ी उससे और इससे छोटी और उससे छोटी, और यहाँ से हमें थंब, ये मैं यहाँ के जोड़ दिया। अभी ये वाली लाइन को मैं मिटा देता हूँ, देखते हैं हाथ बना ही नहीं, कप का हैंडल जो बनाया था उसको मिटा देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। अभी ये बन गई, ये एक, ये बड़ी वाली उंगली और थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, बड़ी छोटी डिपेंड करता है, और यहाँ और ये यहाँ, यहाँ थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, यहाँ और ऐसे, और ये नाखून मैं यहाँ बना देता हूँ। ये आपका सामने एक हाथ बन चुका है, और इसको अगर हम, अगर ये हाथ का मेजरमेंट है, इसको अगर हम आधा करें मतलब अगर बंद करते हैं, बंद करते हैं तो आप देखिए ये वाले भाग और ये वाले भाग इक्वल है, तो ये आसान है और इसको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। तो इसको बंद हाथ अगर हम बनाएंगे तो यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे और सेम कप बना लिया और आधा कर लिया इसको, थोड़ा सा बड़ा मैं ड्रॉ करता हूँ आपको समझ में आएगा, ड्राइंग थोड़ी छोटी है। कप ड्रॉ किया मैंने, कप का प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, गिलास जैसा नहीं होना चाहिए, और ये बन गया, इसका आधा हम कर दिए आधा। इसको जब हम बंद करते हैं करीब करीब एक ही लाइन में होता है, एक ही लाइन में, तो इसको हम बंद कर आधा कर लिए इसको, और यहाँ से हम उंगलियाँ चार चार उंगलियाँ बनाएंगे, एक दो तीन और चार। ये हो गई आपका एक, ये दो, ये तीन और ये
चार, और ये उसका ऊपरी वाले भाग जो है, ये जो दिखता है, तो इसको हम, ये ऊंचा वाला भाग है एक, ये ऊंचा कर लिया, ये डाउन एंड डाउन। तो अभी देखिए इसको मैं अगर कंप्लीट इसको डार्क करता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा, और यहाँ ये जो उंगली है अगर बंद करते हैं तो ये इस तरह से ये बनता है। तो इसको मैं, ये बहुत बेसिक ड्राइंग है, इसका डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ मुड़ा हुआ है, ये भाग मुड़ा हुआ है, ये भाग मुड़ा हुआ है, ये भाग मुड़ा हुआ है, तो बेसिक जो शेप है वो इस तरह से दिखेगा। इसको मैं नाखून बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छा रहेगा समझने में कि कैसा मुड़ता है उंगलियाँ। तो ये बन गया, और ये भाग थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, और ये तो ये यहाँ से आपका ये उंगली जो है तो इसको अगर मैं मिटा दूँ तो हमारा उंगली इस तरह से नज़र आएगा, इस तरह से ये आधा हो गया। तो ये पूरा हाथ, ये आधे हाथ, इसको हम अलग अलग पोस्चर में, कोई डंडा पकड़ा है तो हम इसको बना सकते हैं, कोई डंडा ऐसा है, कोई डंडा है, कोई पकड़ा है तो पीछे ये जो है मैं इजीली इसको बना सकता हूँ। एक उंगली, ये दूसरा उंगली, ये तीसरा उंगली, ये चौथा उंगली, ये बन गया, और पीछे से थंब, और ये पीछे रहेगा। तो देखिए आप अभी आधा कर दिया, इसको आप नाखून बना दीजिए, ये थोड़ी सी छोटी, ये और थोड़ी सी छोटी, और ये, तो अभी क्या बन गया, ये डंडा कोई स्टिक है, और ये छिप गया इसके अंदर, ये हाथ आ गया, और ये कर्व। तो ये बन गया एक डंडा पकड़े हुए हाथ, ये पीछे थंब छिप जाएगी, और आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये खुली वाली हाथ, ये बंद वाली हाथ, हाथ को आप स्टडी कर सकते हो, ऐसे देख देख के हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये लाइन ले सकते हैं, फिर यहाँ से अप डाउन करके ये लाइन ड्रॉ करके हम इसको ड्रॉ कर सकते हो, स्टडी अलग चीज़ है। तो फिलहाल हम इसको हल्का फुल्का ढंग से समझ में आ गया कि हाथ किस तरह से बनता है, खुले हाथ और बंद हाथ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हाथ के बहुत सारे अलग अलग पोस्चर, अलग अलग पोस्चर होता है, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से कोई पकड़ा तो हम देख सकते हैं इसको कि किस तरह से इसका लाइन है। इसका सामने मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ, ये हो गया यहाँ, ये थंब आ गया, मैं इसको देख के ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये नाखून बन गया, ये सीधा जा रहा है, ये यूँ आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा, और ये हाथ, ये देखिए, ये मैं अपना हाथ बना लिया यहाँ, और थोड़ा थोड़ा उंगलियाँ दिख रहा है मुझे, जो दिख रहा है कैमरे में अलग दिख रहा होगा क्योंकि मेरा देखने का एंगल अलग है और आपका देखने का एंगल अलग है। तो ये मैं आपका सामने ये बनाया, आप देख के स्टडी भी कर सकते हो, स्टडी करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको प्रैक्टिकली आमने सामने बताना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप, मैंने जो किया बताया है उसको फॉलो करके भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको अगर नहीं आता तो अपना हाथ को खुद देख लीजिएगा और ये बन जाएगा आपका काम। ये मैंने ये हाथ का ड्रॉ किया, पता नहीं क्या दिखता है वहाँ से, ये मेरे को नज़र आ रहा था और ये ऐसा नज़र आ रहा था। तो आज का जो विषय था पाम का है, तो हम आसानी से बना सकते हैं। मैं आपका सामने बना रहा हूँ, ये देखिए, ये कप बन गया, ये बन गया, और ये एंगल जो है, मैंने ये बताया था ये ज़रूरी है, ये एंगल देखना, फिर इसको चार भाग करें, एक दो तीन एंड चार, ये यूं कर दीजिए, इसको बड़ा ले लीजिए, ये इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, फिर यहाँ से
यूं इसको लाके जोड़ देंगे, तो यहाँ से ये उंगली जो है यहाँ हाथ बन जाएगा आपका। तो मैंने आपको बना के भी दिखाया, जो मैंने यहाँ बताया है उसको फॉलो करके मैंने बताया ये ड्राइंग कैसे होती है। तो ये आपको आराम से आप बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप हाथ का अलग अलग जो भी पोस्चर है, कोई यूं पकड़ा है, कोई यूं पकड़ा है, कोई ऐसा है, ये सारे आपको अपना हाथ को देख के ये सीखने के बाद आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो आज के वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में और कुछ नया लेके आने का कोशिश करेंगे। ह्यूमन फिगर का जो बेसिक ड्राइंग है उसको हम सीख लिए, इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें होगा कि ये हैंड का मूवमेंट और पाँव का मूवमेंट क्या होता है, उसको हम कैसे बॉडी में दिखाएंगे, ह्यूमन फिगर में एक जो मोशन में होते हैं उसको हम सीखेंगे किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर से आपको रिमाइंड करूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक का मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपने मुझे थैंक यू बोला है। और कोई चीज़ के बारे में डाउट हो, पूछना हो, तो कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।